एक मर्तबा यहाँ एक मशवरा हुआ और पूरा मुल्क उस मशवरे में जमा हुआ। मशवरा था मस्जिद की आबादी की तरतीब पर, मशवरा था मस्जिद की आबादी कि मस्जिद में आमाल जारी रहे मेहनत के दौरान, ये बात है। तो पूरा मुल्क जमा हुआ और पूरे मुल्क ने एक इत्तेफाक किया, फिर नीचे मशवरा हुआ। उस मशवरे में इस पर एक तहरीर लिखी गई और ये भी तय हुआ कि मौलाना इब्राहिम साहब रहमत बरकातहू वो मजमे को सुनाएं कि क्या तय हुआ। जहाज में जमा हुआ मजमा, तो मौलाना को अल्लाह जज़ाए खैर दे कि मौलाना ने उस पर एक मिसाल बहुत अच्छी बयान की, बहुत अच्छी मौलाना ने मिसाल बयान। मैं तो रात मगरिबात में सोच रहा था काश मौलाना होते, मौलाना मगरिबात बयान करते। मैंने दरख्वास्त भी की थी मौलाना से कि आप तशरीफ लाइए, आपका वतन निज़ामुद्दीन है। हाँ, अभी गया था सफर में, मैंने दरख्वास्त की मौलाना से आप तशरीफ लाइए। तो मैंने एक मिसाल बयान की, मैंने फरमाया कि तीन आदमी सफर में निकले, तीन आदमी सफर में निकले, एक अरबी, एक अंग्रेजी, एक उर्दू वाला। खाने का वक्त आया तो मशवरा हुआ क्या खाएं, उसमें इख्तलाफ हो गया और इख्तलाफ इतना सख्त हो गया कि आपस में मारपीट की नौबत आ गई। अंग्रेजी वाले ने कहा कि खाना है ग्रेप्स, क्या खाना है ग्रेप्स। अरब ने कहा नहीं, ग्रेप्स नहीं खाना, हमें तो उनब खाने हैं, क्या खाने हैं उनब। उर्दू वाले ने कहा नहीं, दोनों नहीं खाने, ना ग्रेप्स खाने हैं ना उनब खाने हैं, हमें तो अंगूर खाने हैं। हाँ बयान किया था, हमें तो क्या खाना है, अंगूर खाने हैं। अब तीनों में झगड़ा आपस में, इसी झगड़ा खत्म ना हुआ तो अचानक देखा कि एक ठेली पर एक आदमी अंगूर बेच रहा था। तो तीन उसको देख कर मुत्तफिक हो गए, हाँ मैं भी ये कह रहा था, वो भी ये कह रहा था, मैं भी ये कह रहा था। हाँ ये मिसाल मैंने बयान की थी कब, निज़ामुद्दीन के में मस्जिद की आबादी के एक इज्तिमाई मशवरे पर इत्तेफाक हो गया।